पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, आई एम नमिता सचदेव विद यू एंड टुडे आई हैव विद मी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आई वुड से ऑफ द इंडस्ट्री. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अर्जुन कपूर एंड मिस राधिका मदान हु आर विद अस राइट नाउ. राधिका, अर्जुन, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. कैसे हो आप? थैंक यू फॉर हैविंग अस. सो मुझे पहले तो राधिका, मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि कैसे हुई कुत्ते हैपन टू यू. वेल, पहले तो मुझे बताओ अर्जुन, हाउ डिड दिस रोल हैपन टू यू? 2020 में अप्रैल मई का महीना था, एक जूम कॉल, विशाल सर का फोन आया कि एक जूम कॉल करके नरेशन सुनानी है तुम्हें, मेरे बेटे आसमान ने फिल्म लिखी है. हाँ. और वहां से सिलसिला शुरू हुआ. मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हमने बातचीत की और वहां से मैं फिल्म से जुड़ गया था. सो दैट्स व्हेन इट हैपेंड. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एक्चुअली पोस्ट द लॉकडाउन स्टार्टिंग. द फर्स्ट फिल्म आई सेड यस टू वाज कुत्ते. देन विलन हैपेंड आफ्टर एंड ऑल दैट हैपेंड आफ्टर, बट एक्चुअली द फर्स्ट फिल्म दैट आई अलाइन्ड विद वाज कुत्ते. So it started that long back and I was very very excited because I'd loved Kameena. तो मेरे लिए फादर ने कमीने बनाई और बेटा कुत्ते बन रहा था, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती. मतलब मुझे लगता है आगे चल के कुछ और तो नहीं बनने वाला है. कमीने आ गई, कुत्ते आ गई. कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा. मतलब आज तक तो मुझे लगता है तरमपा जी की याद आती थी ना, जब कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा. विशाल जी की याद आएगी और आपकी याद आएगी, है ना. वेल, राधिका, आपका और अर्जुन का एनकाउंटर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहां पे और कैसे हुआ था? सेट पे हुआ था. एंड एक्चुअली मेरा एनकाउंटर तब सबके साथ ही तभी हुआ था, तबू मैम, नसीसा, कोको मैम. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पिक्चर तो नहीं देख रही हूँ या मैं क्या देख रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन देम ऑन स्क्रीन. तो जब मैं सेट पे आई तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिकैलिब्रेट करना पड़ा कि अच्छा ये किरदार है. बट आई थिंक मैंने कंफर्टेबल इसलिए भी फील करा क्योंकि ये लोग इतने सिक्योर हैं, इतने वेलकमिंग हैं. वो ऐसे शो ही नहीं करते कि इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, इतनी ऊंचाइयां देख चुके हैं. सो द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू देम फॉर हाउ दे मेड मी फील सो दैट आई कुड परफॉर्म. सो इट वाज ब्यूटीफुल. अर्जुन, व्हाट डू यू हैव टू से राधिका, इफ यू हैव सीन हर वर्किंग लाइक टिल दिस लॉन्ग टाइम? I firstly feel I don't think anybody should ever just want to be glamorous in a film. I feel today is the time jahan pe every actor should bring something which excites them, and every director and writer should aspire to make actors excited to come and perform on set. So I think wo samay jo change hua hai, I think Radhika has been part of that evolution because of actors like her. And if I may say so, the fact that she's so close to Sanya, when you see both these girls doing so well, you see the younger generation, and I'm saying I'm not old, but I'm saying the younger generation is more greedy. They absolutely don't just want to show up and just stand. They are very, very greedy in a good way. Wo bhook hai, wo excitement hai, and they're always willing to go the extra distance. So what happens is when you see somebody like Radhika on set for a film like Kutte, which is her home turf because of Vishal ji helping her start and take off in this profession on film, to see her excited, knowing that she's very good at a craft. I'm sure she'll be humble about it, but she's very aware that she knows how to do the scene. Now, how well you do it is डिपेंडेंट की डायरेक्टर आपसे क्या चाहता है, लेकिन आई नो दैट शी हैज एब्सोल्यूट बिलीफ इन हरसेल्फ, दैट्स व्हाई शी चूजेस टू डू सच टफ रोल्स. सो फॉर मी टू सी हर इन कुत्ते, आई फील एक्चुअली शी केम ऑन सेट लाइक अ स्टूडेंट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी इन एनी एक्टर. जब वो सेट पे ये जानते हुए कि वो अच्छा एक्टर है, फिर भी सीखने आता है और फिर भी दे स्टिल वांट टू पुश देमसेल्फ, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंडियरिंग क्वालिटी फॉर अ फेलो एक्टर. आप कैमरा पे तो जो देख रहे हो वो तो मेहनत होती है एक्टर की, लेकिन काम करते वक्त इफ यू कैन हैव that emotional experience where you have an actor who's keeping their head down, not saying too much, but absorbing, listening. She might have been off, of course, Tabu, Naseer sir, everybody has those moments because you wait to work with these people. Aap kaam karte ho taki aise logon se jud sako, lekin for any actor, and I include myself in it, when you show up on a set, after that brief moment, you have to be equal and you have to work towards the film. So I think what I appreciate about someone like Radhika is that she came and put her best foot forward for the film and for the character. And she had tremendous excitement on every day on the set. You know, main 10 saal bada kaam kar chuka, you don't always need to show your excitement. You prepare and you try and be calm because that's the way you get used to working. Her energy actually used to get me also excited. Ki nahi yaar, hum bahut exciting cheez kar rahe hain. Jo main shayad van mein chhod ke aata tha, main bhi excited ho jata tha. Nahi yaar, hai. Absolutely. अच्छा, एक चीज मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी. कमीने जब हमने देखी थी 2009 में, तब सीक्वल्स का भी इतना ट्रेंड नहीं था और कमीने ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया था ऑन द टॉप. बिल्कुल बिल्कुल.
कैम्पियन ऑडियंस हो, सबको ही फिल्म काफी पसंद आई थी। इनफैक्ट जब इस तरह का बेंचमार्क सेट हो जाता है इतना ऊपर, तो फिर जब नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं, जैसे आप लोग कुत्ते में आए, तो एक ऑलरेडी एक दिमाग में होती है ना कि ये तो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, तो अगर हम उस पर खरे ना उतरे तो आई थिंक पहली बात तो सीक्वल है नहीं। आप सेम दुनिया मान के चलिए तो क्या होता है, उस रंग में अगर हम अच्छी तरह रंग सके, अगर आपको कभी नहीं पसंद आई है तो कुत्ते का भी रंग वही है, कुत्ते का भी माहौल वही है, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस वही है, उसके कैरेक्टर्स की एक जर्नी वही है, एक डेस्परेशन है, ग्रीड है, एक डिजायर है, एम्बिशन है कैरेक्टर्स का। सो आई थिंक खरे नहीं उतरने का सवाल इसलिए शायद नहीं आता, और ये मैं आई एम सेइंग दिस विद ऑल ऑनेस्टी बिकॉज हमने फिल्म बनाते वक्त कभी कमीने की ऑडियंस को नकारा नहीं है, पर ना कि ये सोचा है कि हमने कमीने को सरपास करना है। वी ऑलवेज न्यू कि एक ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जिनको कमीने पसंद आई थी, और हमें भी अपनी फिल्म उतनी ऑनेस्टी से बनानी चाहिए ताकि उनको कुत्ते भी पसंद आए। इट वॉज नेवर अबाउट डूइंग बेटर देन कमीने और ट्राइंग टू कैप्चर ऑन टू कमीने, इट वॉज मोर अबाउट कनेक्टिंग विद दैट सेम ऑडियंस एंड गिविंग देम समथिंग टू रिमाइंड देम ऑफ द सेम वर्ल्ड इज कमिंग। मतलब दीस कैरेक्टर्स कुड हैव मेट फ्रॉम कमीने एंड कुत्ते एंड बीन इन्वॉल्वड इन द सेम स्टोरी, बट दे आर नॉट। बट द पॉइंट इज कि स्पिरिचुअल सीक्वल कह लीजिए, एक माहौल वाला सीक्वल जो होता है ना, एक मूड वाला सीक्वल, इट्स मोर लाइक अ इट्स जस्ट अ फीलिंग कि कुत्ते कमीने सेम क्लॉथ से कटी हुई दो अलग टुकड़े। एब्सोल्युटली, बस वो जो म्यूजिक है मुझे लगता है वो काफी ज्यादा इंस्पायर करता है हमको उसी एरा में ले जाता है वो 2009। वो थ्रेड भी जानबूझ के रखा है क्योंकि ढांटना जो एक फीलिंग है, वो एक फीलिंग लेके आता है। तो आई थिंक व्हेन यू सी इट इन द फिल्म इट्स बीन यूज्ड वेरी करेक्टली, आई वुड से वेरी एप्टली, ना ज्यादा है ना कम है, वो सही जगह पे आता है और सही चीजों के लिए आता है। सो इट्स बीन यूज्ड इन सर्टेन पोर्शंस एंड सर्टेन प्लेसेस टू अगेन remind you of that same feeling, not kamine the whole film, but that feeling that music brings. अच्छा विशाल भारद्वाज सर के बारे में मैंने एक चीज सुनी, अगर वो होते तो मैं उनसे जरूर पूछती कि वो तलफ्फुज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो मुझे ये जानना है आप लोग से कि सेट पे सबसे अच्छा तलफ्फुज किसका था, या किसको वो करेक्ट करते थे सबसे ज्यादा कि ये ख नहीं ख होता है। विशाल जी तो सेट पे थे ही नहीं, आसमान ने जब डायरेक्ट की तो विशाल जी ने फैसला किया था कि वो कभी सेट पे आएंगे नहीं, वो राइटर के तौर पर इस फिल्म पे जरूर मौजूद थे और उन्होंने म्यूजिक किया है फिल्म का, लेकिन सेट पे तो जो आसमान का विजन था वही फॉलो किया गया। और आई गिव फुल क्रेडिट टू विशाल जी फॉर दैट, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि लोग ये फिल्म को ऐसे देखे कि विशाल जी ने ही बनाई होगी। डायरेक्टर में नाम आसमान का है, उनकी आसमान का विजन है, और आसमान ऑब्वियसली विशाल जी की दुनिया से ही उभरा है, लेकिन जैसे राधिका इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी जड़ें सेम है, लेकिन विशाल जी शायद पूरी तरह अपने आप को जमा चुके हैं और आसमान ने अभी शुरुआत की। तलफ्फुज की बात करें तो नसीर सर हो, हिंदी तो बहुत ही कड़क है, बट इवन यू अर्जुन की हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। हिंदी अंग्रेजी दोनों अच्छी है अर्जुन की, दोनों अच्छी है। पंजाबी कैसी है वो बताओ? पंजाबी यार उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बचपन में थोड़ी बेटर थी, दादी दादा से पंजाबी में ज्यादा बात करता था, अब छूट गई ना वो, बातचीत नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ अगर आप हिंदी फिल्मों के कलाकार हो तो कहीं ना कहीं आपको उतनी हिंदी आनी चाहिए कि आप हिंदी में सोच सको काम करते वक्त, क्योंकि आपके सारे कैरेक्टर्स शहर के नहीं होंगे, अर्बन नहीं होंगे। कई बार अगर आप मिट्टी के किरदार निभाते हो या अगर थोड़े से टेक्सचर वाले कैरेक्टर्स पकड़ते हो तो वहां पे आपकी सोच विचार की धारा आपको उधर से पकड़नी पड़ती है। सो आई थिंक दैट मच हिंदी वी शुड ऑल नो कि हम सोच सके हिंदी में। बोलने में गलतियां कभी भी मेरी भी होती है, कभी जेंडर आ जाता है, कभी कभी हम हिंदी जोड़ देते हैं बीच में, इंग्लिश जोड़ देते हैं एक आध वर्ड में। बट आई थिंक फॉर एनी एक्टर इफ आई कैन गिव with all genuineness the fact that she's appreciated, I take great pride in the fact ki main apni hindi ko hamesha saaf rakhne ki koshish karta hu, because mere liye bahut mayne rakhta hai, jaise log fir bolte hain, fir it's fir hota nahi hai, fir hota hai, fir bolte hain, aaj mujhe bolta hai fir wo ha, ab jaise mere ko tere ko hota hai, wo mujhe aur tujhe hi hota hai, to kuch cheeze aapko janna chahiye ki aap sahi nahi bol rahe janbujh ke character ke liye wo theek hai, but I think hindi mein bahut power hai, स्पेशली जब आप उस लैंग्वेज में एक्टिंग कर रहे हो, अगर आप लैंग्वेज पे कमांड पा सको तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत बहुत हेल्प करता है। वेरी नाइस। इनफैक्ट विशाल जी के साथ काम करने का यही एक मजा है कि उनकी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है राइटिंग पे। अगर आप लैंग्वेज का देखें तो जिस तरह इस्तेमाल शब्दों का करते हैं, लिरिक्स को ले लीजिए गुलजार साहब जिस तरह करते हैं, तो शब्द कहीं ना कहीं उनके बहुत हर वर्ड का अपना एक मायना होता है। ही डजंट राइट एक्स्ट्रा, Not does he leave too much room for unnecessary improvisation, because वो जो कहनी होती है बात वो उनकी राइटिंग में निकल ही आती है। Correct. Absolutely. सभी हम सब उनके राइटिंग के कायल हैं, और वो भी कब
अच्छा, आप दोनों के किरदारों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी सी बात जरूर पूछना चाहूंगी। जैसे आप लोग बात ही कर रहे हो कि लेड कैरेक्टर है, और जब हमने कमीने देखी थी, मैं कमीने से कुछ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, हालांकि अर्जुन हमने इस तरह के किरदार में आपको पहले भी गुंडे में देखा है, लेकिन आई एम श्योर दिस वन इज वेरी मच डिफरेंट, है ना, जो लेयर्स है किरदार के अंदर, या फिर अगर कहें कि एक रेफरेंस लेना पड़ता है जब आप इस तरह का कोई किरदार करते हो, तो डिड यू टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम एनी कैरेक्टर दैट ऑलरेडी हैज प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस? देखिए, गुंडे से तो बहुत ही, चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि लोग ये देख के बोल सकते हैं कि मैं एंटी हीरो हूँ या ग्रे शेड्स है। इशक ज़ादे, गुंडे, औरंगजेब, कहीं ना कहीं एक विलन रिटर्न, संदीप और पिंकी फरार, ये जो ग्रे टोन्स या ग्रे शेड्स, ये जो एक एक कैरेक्टर आप समझ नहीं पाते क्या सोच रहे, क्या करने वाला है, वो तरह के कैरेक्टर्स इंजॉय भी करता हूँ क्योंकि मेरे से बहुत परे। तो आई थिंक द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज नॉट टू पुट योर सेल्फ इन देयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप ज्यादा अर्जुन के बारे में ना सोचे कि अर्जुन होता इधर तो क्या करता। मटेरियल इन इटसेल्फ बहुत पावरफुल था। गोपाल जो मेरा कैरेक्टर, गोपाल तिवारी, वो एक पुलिस अफसर है, लेकिन वो वर्दी में होते हुए वर्दी के बाहर ऑपरेट ज्यादा करता है, ही डज नॉट फॉलो द रूल्स। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था हाउ टू प्ले अ सेल्फलेस डिजाइंड पर्सन, जो मॉरल कंपास फॉलो करने वाला आदमी है, जो यूनिफॉर्म के अंदर एक दायरे में अपने काम को इज्जत देने के बजाय एक स्वार्थी, भूखा, ग्रीडी इंसान हो, जो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को आगे करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक सर्वाइवर, मैं कहूंगा गोपाल एक सर्वाइवर है इन अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, मैन ईट मैन वर्ल्ड, जो कहते हैं ना कि या जंगल का एक उसूल है, या तो शिकार बनो या शिकार करो। Yes, गोपाल इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द फिलोसफी ऑफ द फिल्म, कि आज की दुनिया में सेल्फिश होना बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। तो आई डिडंट हैव टू लुक टू मच एट रेफरेंसेस, आई हैड टू जस्ट फॉलो व्हाट इज रिटन। और आज की दुनिया अगर आप महसूस करो या उसे फील करो, टुडेज सोसाइटी डज नॉट सी बीइंग सेल्फिश एज अ बैड थिंग, एंड गोपाल वाज वन सच कैरेक्टर हु, वो जानबूझ के नहीं है, पर अपने आप को बचाने के लिए वो राधिका को भी मुश्किल में डाल देगा। उसे कितना मुश्किल में डाला राधिका को, राधिका बता दूं मेरे को गोपाल ने देखिए आपको समझ में आएगा कि राधिका ने मुश्किल में डाला है, या मतलब लवली ने मुश्किल में डाला है, या गोपाल ने मुश्किल में डाला है, दोनों ने एक दूसरे को डाला। वो तो मूवी के लिए बचा के रखना पड़ेगा आपको, बट मजा बड़ा है। बट व्हाट डिड यू लुक अप टू व्हाइल प्लेइंग योर कैरेक्टर ऑफ लाइक लवली? आई थिंक कैरेक्टर भी बड़ा लवली होगा, आई एम श्योर। ऑनेस्टली आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू माय फर्स्ट फ्यू सीन्स वर विद नसीर साहब, so I was actually looking forward to that. I was really, really excited. पता नहीं, कुछ ऐसे इतना डर नहीं होता है, मुझे बस लगता है कि ओ मतलब क्या क्या सीख सकती हूँ मैं उनसे। तो मैं गई, मैंने तो जाते ही उनको हर वक्त कर लिया, मैं तो सीधा अब बाद में मुझे सुनने को मिलता है नसीर साहब को हग नहीं करते, नसीर साहब को ऐसे नहीं करते, नसीर साहब का फ्रेंड होता है। He was very warm with me. I think he was the sweetest with me. So मेरे को जब पता ही नहीं है तो मैं कैसे वो चीजें follow करूँ ना? मैं तो जैसे हूँ वैसे ही मिलूँगी। Absolutely. But बहुत बहुत प्यार से थे रहे। अगर मैं retakes मांग रही हूँ तो retakes भी कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, बोले करना है तेरे को तू कर ले। So I had a blast shooting with him. So I was actually looking forward to my opening sequence that was with him. Ah, that's so sweet. अच्छा अर्जुन, यू हैव डन क्वाइट वेरीड कैरेक्टर्स, अभी अलग अलग लेस किया सब कैरेक्टर्स में और अलग अलग फील के साथ सब फिल्मों में मैं आपको देखा, सो इज देयर एनी स्पेशल वे आउट व्हाइल यू सिलेक्ट योर स्क्रिप्ट? मैं एक्टर बना ही था ताकि अलग अलग दुनिया में घुस सकूं, अलग 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 किरदार निभा सकूं, बिकॉज वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। बतौर एक्टर भी आप कम्फर्ट जोन में चले जाओ। एक्टर का बनना, एक्टर बनने का मतलब ही वही होता है कि एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स ऑफ यू, स्पेस जिसके बारे में आपको समझ नहीं है, तो आप रिसर्च कर पाओ, घुस सको। जैसे आई थिंक मेरी शुरुआत ही पहली फिल्म से ऐसी हुई थी कि मुझे स्विमिंग पूल के डीप एंड में डाल दिया गया था। मतलब इशक ज़ादे मेरे से बहुत परे है, मैं शहर में पला बड़ा लड़का हूँ, और मुझे यूपी का एक एरोगेंट सा, ब्रैश सा बंदा बना दिया गया था, जो उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती उसके बारे में। और हम तो बहुत तमीज से रहने वाले लोग थे, यहाँ पे अपब्रिंगिंग और कल्चर ही अलग था। तो आई थिंक वहां पे खून मुंह लग गया था। एक्साइटमेंट हमेशा वही थी कि यार मैं अगर फाइंडिंग फैनी करूं या टू स्टेट करूं तो वो एक आईएम की दुनिया, गुंडे करूं तो 70s में जो गैंगस्टर्स होते थे, कियन का करूं तो एक होममेकर बनने का मौका, मुबारक में सर डबल रोल निभाने का मौका, पानीपत करना तो पीरियड स्पेस, इंडिया मोस्ट वांटेड में बिहार का एक एजेंट, बिहार से हीलिंग एजेंट, भूत पुलिस में जो जो मैं वैद्य का रोल निभा रहा था,
या एक बोल लीजिए जो डॉक्टर होते हैं जो घोष को भगाने में हेल्प करते हैं. Everything for me has been a learning because you also as Arjun change because of the world you enter, right? आपको कितना कुछ पता लगता है कहीं ना कहीं it makes you worldly wise also when you look back in life आपने कितना कुछ gather किया है कितने लोगों के साथ deal किया है. मुझे हमेशा वो एक्टर बन के रहना पसंद है जो अनीस बज्मी की मुबारक भी कर सकता है और दिवाकर बैनर्जी की संदीप और पिंकी फरार भी कर सकता है. और अगर मैं वो बांध के चल सकता हूँ आगे तो मुझे लगता है मेरे अगले कुछ साल मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत एक्साइटिंग रहेंगे. स्टारडम अचीव करना हिट्स और फ्लॉप्स अचीव करना वो एक प्रोसेस है. मैं ये नहीं कहूंगा जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने शुरुआत वैसे की थी बट उसको उतना मायने दे दूंगा तो कहीं मेरी चॉइसेस भी सेफ हो जाएंगी. और कुत्ते जैसी फिल्म शायद ना करूं तो बहुत यूनिक फिल्म है मेरे लिए. आई टुक इट अप ओनली बिकॉज़ आई सेड यार मुझे ये करना है. इतना सेल्फिश कैरेक्टर ऐसी दुनिया में जहां पे ही इज नॉट द हीरो ही इज नॉट द विलन He's just a character and we're all part of the story. मुझे पूरी का हिस्सा बनना बहुत exciting लगता है. मुझे दुनिया का हिस्सा बनना exciting लगता है. तो thought हमेशा पहले दिन से वही आया और वही follow कर. वैसे राधिका एक सांस में बताओ कि 2022 में आपने कितनी फिल्मों में काम किया. सबके नाम भी बताने अपने किरदार भी जैसे अर्जुन ने बताया अभी अभी. मेरी तो मेरी 10 साल की है इनकी 10 महीने की है. याद होगा मैंने शुरुआत करी थी कच्चे लींबू से जो अभी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गई थी. उसके बाद मैंने शुरू करा था होमी की वेब सीरीज सासगो एंड फ्लेमिंगो. उसके साथ साथ मैंने कुत्ते शूट करी थी. उसके बाद मैंने की सना. उसके बाद मैंने खत्म करी सुरा राय पोथरूज रीमेक विद अक्षय सर. एंड उसके बाद मैंने की हैप्पी टीचर्स डे विद माय डॉग जिसमें निमृत मैम भी निखिल हैज डायरेक्टेड इट. एंड अभी मैं बता नहीं सकती. तो अगले जो सेवंथ फिल्म है वो अभी 15 दिनों में शुरू हो रही है. दैट्स आल्सो विद मैक. सो वेल वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम कुत्ते. आई वुड से व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट लाइक अ फ्यू वर्ड्स फॉर लाइक कुत्ते व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट. यार आई थिंक माय ओनली एक्सपेक्टेशन अबाउट दिस इज कि ये चर्चा चली है कि वी हैव टू पुश द एनवलप एंड पुश towards new age cinema and entertain our audiences by giving them something that is unique. कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मैं मानूंगा कि हमारी भी एक लर्निंग रही है पिछले 2-3 सालों में कि our audience is ready for new age cinema by pushing the envelope. तो अलग किरदार है अलग दुनिया है अलग माहौल है. mainstream typical picture नहीं है. it is something done with lot of artistic endeavor and being honest to what the story needed. so I think जो लोग सिनेमा घरों में आके एक honest sincere genuine film coming together देखना enjoy करते हैं ये फिल्म उन लोगों के लिए because मुझे लगता है हिंदुस्तान की audience अब बहुत तैयार है देखने के लिए. बहुत ज़्यादा तैयार है because the 2 years that we spent at home we've learned so much by watching platform पे content देखना. तो हमारी demand जो audience की थी कहीं ना कहीं कि यार content लेके आओ. तो I think मुझे लगता है ये वो content driven cinema का हिस्सा है और मैं उम्मीद करता हूँ इस साल की शुरुआत content को appreciate हो. definitely आप क्या कहोगे राधिका. सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. मैं बस बोल रही हूँ कि अगर आपको पैसा वसूल पिक्चर भी चाहिए आप बोलते हो कि मैं घर से क्यों निकलूं जब मैं एक क्वालिटी मूवी घर पे बैठे नहीं देख सकता हूँ जो आपके माइंड में क्वालिटी है जो भी है. मैं बोल रही हूँ कि आपको दोनों चीजें यहाँ पे मिल रही है. आपको वो थिएटर का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है जो हमारे लिए पिकनिक की तरह होता था कि हर फ्राइडे जाना ही जाना है. वो पॉपकॉर्न वो कोक लाइनों में लगना वो एक इट्स लाइक एन इवेंट. तो उसके साथ साथ आपको वो कंटेंट मिल रहा है वो आपको जो आप वो सब बोलते रहते हैं ना कि नहीं मेरे को बिल्कुल स्क्रिप्ट पे कोई ध्यान नहीं देता है ये नहीं करता है सब कुछ मिल रहा है आपको उसके अंदर और आप एंटरटेन होके आएंगे. मैं लिख के दे सकते हो. अच्छा मुझे एक चीज पर्सनली हमेशा से लगती है फिल्मों के बारे में कि हमें हर अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए इन एनी सेंस बिकॉज़ बहुत मेहनत लगता है यार. मतलब आप लोग का पूरी टीम का थैंक यू फॉर सेइंग दैट. थैंक यू दैट्स सो स्वीट बिकॉज़ हम हमेशा पिछले कई इंटरव्यू से कहते हैं कि आजकल नेगेटिव होना ज्यादा आसान है लेकिन पॉजिटिव रहना मुश्किल है. तो आई थिंक मोर पीपल फॉलो व्हाट यू आर सीइंग आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस जस्ट ओवरऑल विद द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ पॉजिटिविटी एंड अप्रिशिएटिंग समथिंग इवन इन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन. थैंक यू. यस वी डू अप्रिशिएट फॉर व्हाट ऑल एफर्ट्स यू हैव मेड इन कुत्ते एंड एनी ऑफ योर फिल्म. थैंक यू सो मच सो मच अमिता.